दोस्तों नमस्कार। तो सैमसंग का मोस्ट अवेटेड ए सीरीज का A52 स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। सैमसंग A51 तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ इंडिया में, उसके बाहर भी ग्लोबली भी लॉन्च हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है फ़ोन। लेकिन इसमें था एक्जिनॉस 9611 और एक्जिनॉस के ऊपर सैमसंग ने बहुत पैसे बना लिए यार, तो अभी बहुत हुआ। इसके बाद में सैमसंग का जो एक्जिनॉस का जो कोटा है ना, वो अभी ख़त्म हो चुका है, और ये जो सैमसंग A52 है वो सैमसंग A50 सीरीज़ का चौथी जनरेशन में बोल सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले लॉन्च हुआ A50, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में लॉन्च हुआ A50S, मेरे पास में फ़ोन अभी नहीं है। उसके बाद में लॉन्च हुआ A51, जो कि बहुत ज़्यादा अगेन फिर से सक्सेसफुल हुआ, और अभी लॉन्च कर रहे हैं A52। तो A52 में क्या कुछ होगा, ये Geekbench के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, क्या होंगे स्पेसिफिकेशंस, क्या होगी इसकी प्राइस, किस प्राइस पॉइंट पे आएगा इंडिया के अंदर, और साथ में ये कब तक लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, सब कुछ मैं बताऊंगा इस A52 के बारे में डिटेल में। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको इस फोन के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल जाए। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना उसके साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए ऑल कीजिए। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो चलिए A52 के स्पेक्स की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस बार मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि इसमें आपको एक्जिनॉस तो देखने नहीं मिलेगा। इसमें सबसे मुझे अच्छा प्लस पॉइंट वो लगा कि एक्जिनॉस के बदले यहाँ पे मिलेगा स्नैपड्रैगन 750G, जो कि पावर एफिशिएंट भी है, पावरफुल भी है, और एक्जिनॉस से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं स्नैपड्रैगन। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत से लोग रिक्वायरमेंट होती है उनकी, वो चाहते हैं कि एक्जिनॉस ना मिले स्नैपड्रैगन मिले, लेकिन एक्जिनॉस के साथ में भी इसके फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि सैमसंग ए सीरीज जो है ना वो नॉक्स के साथ में आती है, बहुत से अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, फोन स्लिम होता है, डिस्प्ले बहुत ही कमाल की होती है, तो ऐसे चलते हैं सैमसंग के ऊपर ट्रस्ट भी है, लोग इसे बाय करना चाहते हैं। लेकिन कंप्लेंट वही होती है कि पैसे पे करने के लिए हम तैयार हैं लेकिन स्नैपड्रैगन क्यों नहीं। लेकिन इस बार ये कंप्लेंट नहीं होगी, 750G आपको देखने मिलने वाला, ये अच्छी बात मुझे लगी। और बात करें डिस्प्ले की, 6.67 इंच की डिस्प्ले होगी सुपर एमोलेड की, पंच होल के साथ में सेम ऐसे ही आपको देखने मिलेगी डिस्प्ले जो कि A51 की थी। यहाँ पे रहेगा पंच होल कैमरा और थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो सकती है। बैटरी की बात करें तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 4500 से लेके 5000 mAh तक की बैटरी आपको देखने मिलेगी, और 25W का रहेगा सुपर फास्ट चार्जर। बात करें सॉफ्टवेयर की तो बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा आपका एक्सपीरियंस UI 3.0 और एंड्रॉइड 11 के साथ में ये फ़ोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है। और रही बात इन अपडेट की UI 3.0 की और एंड्रॉइड 11 की, तो बहुत ही जल्द ये अपडेट आपको देखने मिलेगी A51 और A71 को भी। तो जैसे A52 आएगा तो उसमें आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ये अपडेट आपको देखने मिलेगी। अब कैमरा सेटअप की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने मिलेगा जैसे आपको A51 में देखने मिला था, लेकिन ये जो मॉडल है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर थोड़ी अलग अलग यहाँ पे जो इमेजेस लीक हुई है, लेकिन जो कैमरा सेटअप इस तरह से होगा 64 का मेन रहेगा प्राइमरी कैमरा जो कि सोनी के सेंसर के साथ में मिल सकता है। रही बात 12K अल्ट्रा वाइड कैमरा की, ये भी वैसे मिलेगा, 5x5 का माइक्रो होगा। सेल्फी कैमरा होगा 32MP का, इसमें आपको इनडिस्प्ले सेंसर भी देखने मिलेगा, टाइप सी का पोर्ट, हेडफोन जैक देखने मिलेगा, और ट्रिपल सिम स्लॉट भी रहेगा, UFS 2.1 की स्टोरेज भी रहेगी, और बैक पे प्लास्टिक रहेगा यहाँ पे 90% तो यही कंफर्म लग रहा है, लेकिन ग्लास मिलता है तो और ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन सैमसंग मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको यहाँ पे ग्लास देखने मिलेगा। और हाँ, इस फोन का एक प्लस पॉइंट है कि ये फोन 5G सपोर्टेड है, 5G रेडी भी है। तो मुझे पता है कि इंडिया के अंदर और आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर 5G नहीं है, लेकिन जैसे ही 5G आता है 2021 के अंदर, जो भी स्मार्टफोन कंपनी अपने फ़ोन लॉन्च करेगी, वो रेडमी रियलमी हो जो भी हो, तो ऑलमोस्ट 70% कंपनियाँ जो है ना 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। 5G की बाढ़ आने वाली है भाई, क्योंकि बहुत से स्मार्टफोन अभी आपको 2021 में 5G के ऊपर ही देखने मिलेंगे, तो ये फ़ोन 5G रेडी रहेगा। तो जैसे इंडिया में 5G आता है तो 2021 के एंड में या फिर 2022 के मिड में आपको 5G इंडिया में देखने मिलेगा। कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा, और आप इसे तब तक यूज़ करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जैसे ही 5G आता है आप इसे यूज़ कर पाओगे, तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के एक पावरफुल प्रोसेसर, बेटर कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, साथ ही बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, नॉक सिक्योरिटी, स्लिम फोन, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, ट्रिपल सिम स्लॉट और UFS 2.1 की स्टोरेज, कुल मिला के ये जो अच्छे अच्छे फीचर्स और कमाल के स्पेक्स वगैरह सब कुछ मिला करके ये फ़ोन एक अच्छा बैटरी पैकेज बन जाता है। लेकिन ऑफलाइन सेंट्रिक होने की वजह से और ए सीरीज़ का फ़ोन होने की वजह से और सैमसंग का ब्रांड है, ट्रस्ट है, तो ऑफलाइन में ये फ़ोन थोड़े महंगे बिकते हैं। तो इसकी प्राइस पॉइंट की अगर बात की जाती है तो आपको इसमें 2 वेरिएंट देखने मिल सकते हैं, 6128 की प्राइस हो सकती है 26 से 27 के रेंज में, और 8128 की प्राइस हो सकती है 30 से 32,000 के आसपास। तो प्राइस थोड़ी सी यहाँ पे 25 से 30 की पर जा सकती है, तो ये देखना होगा कि इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, लेकिन 25 के ऊपर ही होगी, 25 से 30 के अंदर इसकी प्राइस हो सकती है। और रही बात इसके इंडियन लॉन्च की, तो ये इंडिया में जनवरी से फरवरी के बीच में लॉन्च होगा, और जनवरी से फरवरी में बिल्कुल कंफर्म लॉन्च होने वाला है, और हो सकता है कि दिसंबर के महीने में ग्लोबली लॉन्च हो जाए। सबसे पहले ये यूरोपियन कंट्रीज में ग्लोबली लॉन्च होता है, उसके बाद में इंडिया में लॉन्च होता है, तो इंडिया में बहुत ही जल्द आपको अगले साल देखने मिलेगा। और प्राइस पॉइंट की बात करो तो 25 के ऊपर ही पकड़ के चलो, तो आपका बजट है या नहीं है, तो आप अभी से अपना बजट बना करके रखो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो।
तो 25 के ऊपर बजट रहेगा तो ये फ़ोन आपको मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर आपको ये फ़ोन स्किप करना पड़ेगा। तो इसके साथ में आपको A42 भी देखने मिल सकता है जिसकी प्राइस और कम होगी और वो भी 5G स्मार्टफोन जो है वो होने वाला है और उसमें भी 750GB हो सकता है ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन उसके स्पेक्स वगैरह उसमें डिफरेंस रहेगा। लेकिन बोला ये जा रहा है कि दोनों फ़ोन जो है वो 750G के साथ में आने वाले हैं। तो आप भी A सीरीज़ के बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हो, A सीरीज़ का नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि आपका बजट अगर 25,000 के ऊपर है, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट बन सकता है 750 के साथ में, साथ में 5G रेडी स्मार्टफोन आपको मिलेगा। बस 2 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फिलहाल आपको A71 A51 मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप इसे स्किप कर सकते हो और आपके लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन बहुत जल्दी आने वाला है। और जो लोग अपने पुराने स्मार्टफोन को स्विच करके नए पे आना चाहते हैं तो वो भी वेट कीजिए, क्योंकि अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो डेफिनेटली आपको डील बेस्ट मिल सकती है। और साथ में A42 भी आने वाला जो कि 25 के अंदर हो सकता है, तो आप दोनों ही फ़ोन का वेट कीजिए, आपको दोनों ही फ़ोन बहुत जल्दी देखने मिलेंगे इंडिया के अंदर। और A52 की बात करें तो अगर ये 25 के ऊपर आता है 750G के साथ में, तो क्या अभी भी आप इसे बाय करना पसंद करोगे और क्या आप इस फ़ोन को लेकर के एक्साइटेड हो? आपके जो भी सवाल हो, कोई सुझाव, आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, बता सकते हो मुझे कमेंट करके। बस इतना ही आज की वीडियो में, डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।